टीम इंडिया के सामने विराट चुनौती। कैसे तोड़ेंगे न्यूजीलैंड का चक्रव्यूह? टीम सिलेक्शन कहीं फिर ना पड़े भारी। हार्दिक पांड्या टीम की मजबूरी या है जरूरी? नमस्कार, वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है और हर तरफ एक ही बात हो रही है हिंदुस्तान के मुकाबले की, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 को खेला जाना है, 31 अक्टूबर को, और यह मुकाबला किसी नॉकआउट से कम नहीं है, क्योंकि ये जीते तो सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग हिंदुस्तान के लिए तय होगा। स्टूडियो में हमारे साथ मनिंदर सिंह और आरपी सिंह पहुंच चुके हैं, आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले तो इसी बारे में बात करेंगे जो लगातार सुर्खियों में है, हार्दिक पांड्या। क्या है हार्दिक पांड्या, जरूरी है या टीम के लिए मजबूरी है? पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दुबई पर है, टीम इंडिया पर है, विराट कोहली पर है, एमएस धोनी पर है, रवि शास्त्री पर है। पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद भारतीय टीम एक बार फिर से वापसी करने की तैयारियों में जुट गई है। हर खिलाड़ी बेस्ट प्रदर्शन देने की तैयारी में लग गया है। लेकिन इस बीच हार्दिक पांड्या को लेकर एक सवाल हर क्रिकेट फैन, हर क्रिकेट के दिग्गज के जहन में आ रहा है, ये है कि हार्दिक पांड्या टीम के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी है। दुबई के आईसीसी एकेडमी में जब कोहली एंड कंपनी प्रैक्टिस के लिए पहुंची तो सबकी निगाहें हार्दिक पांड्या पर थी। प्रैक्टिस सेशन में पांड्या ने पहले 15 मिनट गेंदबाजी की। वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस सेशन में पांड्या ने पहली बार बॉलिंग की। हेड कोच रवि शास्त्री, मेंटोर धोनी और कप्तान विराट कोहली ने पांड्या की गेंदबाजी भी देखी। इसके बाद उन्होंने फिटनेस ड्रिल में हिस्सा लिया। टीम इंडिया के फिजियो नितिन पटेल और असिस्टेंट ट्रेनर सोहम देसाई की इस पर नजर थी। इसके बाद पांड्या ने नेट्स में काफी देर तक बल्लेबाजी भी की। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले कप्तान विराट कोहली ने साफ कर दिया था कि ऑलराउंडर पांड्या शुरुआती मैचों में सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही टीम के लिए खेलेंगे। हार्दिक प्रेजेंटली विद हिज फिजिकल कंडीशन is getting better in terms of being prepared to bowl at least 2 overs for us at a certain stage in this tournament, and we strongly feel that we can make the most of the opportunity that we have at hand till the time he starts bowling. We have considered a couple of other options to chip in for an over or two, so we are not bothered about that at all. What he brings at that number 6 spot is something that you just can't create overnight. And hence, I was always in favor of backing him in Australia as a batter purely. And we saw what he did in the T20 series and how he can take the game away from the opposition when he's in full flow. So these things, from a talking or a discussion point of view, seem very, very interesting that if he doesn't bowl, will he be left out? But we understand the value he brings to the team as a number 6 batter. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद एक गेंदबाज की कमी साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि हार्दिक से प्रैक्टिस सेशन में गेंदबाजी करवाई जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि अगर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट नहीं है तो क्या उनकी जगह दूसरे ऑलराउंडर को जगह नहीं मिलनी चाहिए? अगर कप्तान विराट कोहली की बात मान भी ले तो आंकड़े उनका साथ नहीं देते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान कोहली हार्दिक की जिस पारी की बात कर रहे हैं वो मुकाबला साल 2020 में खेला गया था, जिसमें हार्दिक ने नाबाद 42 रन की पारी खेली थी, जिसके बाद हार्दिक ने 8 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 21.16 की औसत से 135.10 की स्ट्राइक रेट से 127 रन बनाए हैं। इन 8 मैचों में उन्होंने 19 ओवर गेंदबाजी की है और सिर्फ 4 ही विकेट लिए हैं। उम्मीद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में अगर हार्दिक टीम में बने रहते हैं तो फिर सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे।
अचानक हिंदुस्तान की टीम जो कि इतनी मजबूत और सबसे बड़ी दावेदार लग रही थी वर्ल्ड कप जीतने की, अचानक ये गुत्थी जो है कहीं ना कहीं जो पेज है ये फंस गया है, और इस गुत्थी को सुलझाना होगा पाजी, क्योंकि ये आपकी टीम के लिए जो कि सबसे मजबूत कड़ी होनी चाहिए थी वो एक कमजोर कड़ी बन गई है, एक चिंता का विषय बन गया है। हार्दिक पांड्या का फिटनेस, उनका बॉलिंग करना, उनको एक बैट्समैन की तरह खिलाना, लेकिन खिलाना जरूरी है। आज जैसा कि एक बीसीसीआई ने ट्वीट भी किया, फिट है और वो खेलेंगे। विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि वो तो खेलेंगे, वो तो हम बड़े टाइम से उनको प्रिपेयर करते चले आ रहे हैं नंबर 6 के लिए, वो अगर हमें 2 भी ओवर दे देते हैं तो भी खेलेंगे। हालांकि अभी तक वो खिला रहे थे कि वो 2 ओवर ना भी दें तो भी उनको खिलाएंगे, कह रहे थे इस तरह की बात उन्होंने इस पीसी में भी कहा, लेकिन अब वो ये बात कर रहे हैं कि अगर केवल 2 ही ओवर दे देते हैं तो भी वो खेलेंगे, क्योंकि हम एक प्रोसेस, वो जिसकी बात आरपी बार बार करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं और उनको हमने उस नंबर पर सेट किया हुआ है, सो वो खेलने वाले हैं। बस आप यही दुआ करें कि वो फिट रहे और कुछ परफॉर्मेंस करके इंडिया को मैचेस जिताए। बिल्कुल, लेकिन आरपी ये जरूरी है या पांड्या जो है मजबूरी बन गए, क्योंकि टीम के पास उनसे बेहतर विकल्प नहीं है, इंजर्ड हार्दिक पांड्या से भी बेहतर विकल्प नहीं है, हार्दिक पांड्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। नंबर 6 पे जहां बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है वहां आई थिंक वो सबसे बेस्ट बल्लेबाज होंगे। वहां पे अगर 2 ओवर जिस गेंदबाजी की बात की जो विराट कोहली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 ओवर गेंदबाजी कर देंगे तो बहुत विन विन सिचुएशन हो जाएगी इंडिया की। आपको चाहिए एक ऐसा गेंदबाज, तो एक ऐसा बल्लेबाज जो आपको 2 ओवर गेंदबाजी करके दें, क्योंकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका अपने यूट्यूब चैनल पर कि रोहित गेंदबाजी करते हैं जो पहले क्या करते थे या वो कर रहे होते तो फिर ये समस्याएं ना होती, तो इस समस्या की वजह से हार्दिक वो बैलेंस बनाते हैं टीम में। बिल्कुल, एक बैट्समैन के तौर पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हार्दिक पांड्या को खिलाना जरूरी है, चाहे वो 2 ओवर करे या ना करे, यानी कि इस मजबूत हिंदुस्तान की टीम के हार्दिक पांड्या फिलहाल मजबूरी बन गए। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आपके पास एक फिनिशर नहीं है, और धोनी के जाने के बाद वाकई में ये ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जो स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान की टीम की है यहाँ पर ये एक चिंता का विषय बन सकता है आने वाले मैचेस में। लेकिन फिलहाल आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आज विराट कोहली जो थे वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, और ईशान किशन के बारे में मैं खास तौर पर बात करना चाहता था। क्या हार्दिक पांड्या की जगह, हम यूट्यूब इंडिया टीवी क्रिकेट में भी बहुत चर्चा कर रहे थे, ये सेट नहीं हो सकते ईशान किशन पाजी नंबर 6 पे नहीं, क्योंकि हमने इनको पहले 3-1-2-3 पर ही रन्स बनाते हुए देखा है और वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप नंबर 6 पर उनको खिलाएंगे तो किस तरह से वो अपनी गेम को बदल पाएंगे, क्योंकि देखिए जब आप ओपन करने जाते हैं या नंबर 3 पर भी जाते हैं, 3 पर जब जाते हैं तो केवल एक विकेट आउट हुई होती है, तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक अलग है। जब आप नंबर 6 पर बैटिंग करने जाएंगे 4 आउट हुए होंगे और आपका नेचुरल अंदाज है अटैकिंग क्रिकेट खेलना, और अगर वो 4 आउट हो गए 40 रन पर तो फिर वो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि अपने गेम को किस तरह से बदल पाएंगे। आरपी एक छोटा सा जवाब मैं यहाँ पर चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग बैटिंग पोजिशन पर आप ग्रूम करते हैं खिलाड़ियों को, बनाते भी हैं, तो क्या ये खिलाड़ी बनाया नहीं जा सकता नंबर 6 पे? फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा समय, क्योंकि हमने हमेशा उनको ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते देखा है, और 6 नंबर का तो पोजीशन बहुत टफ पोजीशन है, आप खुद भी खेलना होता है, बड़े बड़े शॉट लगाने, क्योंकि गेंदें भी आपके पास कम आती, कई बार होता है कि आपने 7-8 गेंद ही खेली और साथ में अगर खेलना है तो आपको टैलेंट के साथ बल्लेबाजी करनी हो तो मुश्किल है, उसके लिए समय चाहिए किसी को तैयार करने। MS धोनी वो गॉड गिफ्टेड प्लेयर थे हमारे साथ, और उनके बाद तो वैसे वैसे लगता है कि उस नंबर कोई प्लेयर नहीं बचा, भाई होगा अच्छा प्लेयर, ऐसा नहीं है, वो उतना ज्यादा कर चुके थे देश के लिए कि अब जो उस नंबर बल्लेबाजी करने आता है या करने आता है तो बड़े देखने में अलग सा लगता है। और जो आपने ग्रूम की बात की ना, वर्ल्ड कप के दौरान आप ग्रूम नहीं कर सकते, ग्रूम वर्ल्ड कप से पहले किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हार्दिक पांड्या की ये चोट लगातार परेशान करती रही, किसी ना किसी को आपको तैयार करना होगा, और ईशान किशन एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं कि विराट कोहली या फिर आने वाले जो नए कप्तान है वर्ल्ड कप के बाद वो तैयार करें, जैसे आप ओपनिंग के लिए तैयार करते हो, 3 नंबर के लिए तैयार करते हो सकता है कि आप एक 6 नंबर को भी अब तैयार करो, मेंटली तैयार करना है। फिलहाल हम बात करते हैं, इस मुद्दे से निकलते हैं, हार्दिक पांड्या तो मजबूरी है इस टीम के, जरूरी भी है लेकिन मजबूरी है इस वक्त कि नंबर 6 में हार्दिक पांड्या की जगह कोई नहीं हो सकता, खेलना उनका तय है न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिलहाल बात करते हैं ड्यू यानी कि ओस ड्यू के डंक की। इकतीस अक्टूबर को टीम इंडिया जब दुबई के मैदान में न्यूजीलैंड से टक्कर लेगी तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ओस की होगी। पाकिस्तान के खिलाफ हारने की बड़ी वजह भी ड्यू ही थी। T20 वर्ल्ड कप में दुबई में होने वाले मुकाबलों में टॉस जीतना सबसे जरूरी हो गया है, और टॉस जीतकर विराट को आगे क्या रणनीति अपनानी है। वैसे तो टॉस जीतने के मामले में विराट की किस्मत खराब है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में भी टीम इंडिया टॉस हार गई थी, लेकिन अब विराट को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेना होगा, क्योंकि बाद में विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए ओस आफत बनकर खड़ी रहती है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वर्ल्ड कप में टॉस जीतकर जिस भी टीम ने गेंदबाजी चुनी, जीत उसी के खाते में आई। इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 7 बार टीमों ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और 7 बार इन टीमों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है। जबकि एक मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी थी, लेकिन स्कॉटलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और मुकाबला हार गई। वहीं बांग्लादेश ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी, लेकिन मैच हार गई। दरअसल दुबई में रात के समय ओस गिरती है, जिसकी वजह से बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम के गेंदबाज बॉल को ग्रिप नहीं कर पाते हैं और बल्लेबाज इसी का फायदा उठाते हैं और आसानी से रन चेस कर लेते हैं। ऐसे में कप्तान कोहली को दुआ करनी होगी कि वो कीवी टीम के खिलाफ टॉस के बॉस बने। वैसे विराट पहले भी बता चुके हैं कि टॉस जीतना मैच जीतने के बराबर है। We still have, you know, lot of matches in this tournament and if we stick to the processes we follow, we definitely feel like we can overcome these mistakes. But yes, toss definitely is going to be a factor in this tournament, especially if the dew keeps creeping in the later half of the game. You need those extra runs in the first half then. और आप देख सकते हैं कि सारे कप्तान जो हैं अपनी अपनी टीम को सेमीफाइनल पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे ही कुछ मुकाबले में आज श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। फिलहाल इस मैच के हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे और आपको बता दें कि यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा अहम है। हालांकि पहला मुकाबला उन्होंने एक नजदीकी मुकाबला था, जीता जरूर था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वर्ल्ड कप धमाका सुपरफास्ट। न्यूजीलैंड से टीम इंडिया के मैच से बीसीसीआई ने बायो बबल में मौजूद 4 तेज गेंदबाजों हर्षल पटेल, आवेश खान, उमरान मलिक और लुकमान मेरीवाला को रिलीज कर भारत भेजा। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के लिए करो या मरो की स्थिति, दोनों देशों के बीच कल खेला जाएगा मुकाबला। वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में कल आमने सामने होंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दोनों टीमें जीत के विजय रथ पर सवार। न्यूजीलैंड टीम को उम्मीद, भारत के मुकाबले से पहले फिट हो जाएंगे मार्टिन गुप्टिल, पाकिस्तान के खिलाफ हुए थे चोटिल। वेस्टइंडीज की टीम में बदलाव, चोटिल ओबिड मैकॉय की जगह जेसन होल्डर हुए टीम में शामिल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।